पेरिस ओलंपिक से वापस आते हुए विनेश फोगाट जिस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट नंबर 18 से बाहर निकली, जिस तरह का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था, जिस तरह का उनका स्वागत हुआ, शायद ही किसी ऐसे हमारे भारत की जो हिस्ट्री रही है स्पोर्ट्समैन के लिए, उसमें किसी भी खिलाड़ी जो कि बिना किसी मेडल के आए हों, उन्हें ऐसा स्वागत मिला होगा। वो देखकर विनेश फोगाट भी दंग रह गई, उनके आंसू छलक आए, फिर आंसू उन्होंने पोंछे और फिर मुस्कुरा के सबका धन्यवाद किया। तो दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकली, उनके चेहरे पर वो शिकन, वो मायूसी देखी जा सकती थी, जैसे सूजी हुई आंखें, बहुत रोने और ना सोने की वजह से होता है। उनका हेयर कट देखिए, बिल्कुल हैपहैज़र्डली और क्रूअल तरीके से, जैसे उस वक्त लास्ट सेकंड्स में काट दिया गया हो। थोड़ा सा वेट जो उनका 100 ग्राम का फर्क आ रहा था उसको हटाने के लिए, तो वो उसका बेसिकली रिमाइंडर था। वो जो हेयर कट है ना इस वक्त जो आप विनेश फोगाट का देख रहे हैं, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से कटा हुआ, वो इस बात का रिमाइंडर है कि वो आखिर क्या हुआ। और वो चेहरे के साथ ही एक स्टैम्प की तरह है व्हाट शी हैज गॉन थ्रू। उनका पूरा गांव जहां इंतजार कर रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनका गांव जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गांव का नाम है बलाली, मुश्किल से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3.5 घंटे का फर्क है। लेकिन यहाँ वो सुबह 10:30 बजे के आसपास जब दिल्ली एयरपोर्ट पर निकली हैं, लैंड करती हैं, वहां से लेकर अपने गांव तक 12 बजे तक पहुंच पाती, ऑलमोस्ट 12 घंटे उनको लग गए अपने उस गांव तक पहुंचने में। वो इसलिए कि उनके लिए रोड शो का इंतजाम था, उनके लिए पहले से ही एक SUV इंतजार कर रही थी जहां पर उनको खड़ा किया गया, ताकि वो एक एक जगह पर एयरपोर्ट से लेके अपने गांव के बीच में पड़ने वाले हर जिले पर जो उनके लिए स्वागत के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं, उन सब से मिल सके, उन सब को धन्यवाद कर सके, क्योंकि वो सब लोग इंतजार कर रहे थे। वो एक जो मेमोरी थी कि विनेश फोगाट को उनका मेडल नहीं मिला, अब वो एक तरह से पीछे चली गई। और विनेश फोगाट हमारी शेरनी है, हमारी बेटी है, ये नारे के साथ और इस फीलिंग के साथ हर गांव का हर शख्स उनका इंतजार कर रहा था। वहीं बलाली में उनका इंतजार कर रहा था 750 किलो का ये लड्डुओं का ढेर। जी हाँ, 750 किलो लड्डू, जिसकी रखवाली मंदिर के अंदर रखकर कर रहा था 10 साल का अंशज। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको खबर बता रही हूं। अब वो सुबह उसको 10 बजे वहां खड़ा कर दिया गया, ये सोचते हुए भाई 3-3.5 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट से, पहुंच जाएंगी। किसी ने सोचा ही नहीं कि 12 घंटे लगने वाले हैं और पूरा दिन बीत जाने वाला है इस 10 साल के लड़के के लिए। इसने एक छोटी सी नोटबुक वहां पर रखी हुई थी, नोटबुक में जो भी कोई आके वॉलंटरली वहां पर गांव में अपनी तरफ से डोनेशन देना चाहते थे विनेश फोगाट के नाम पर, वो सब देकर जा रहे थे और वो सबके नाम उसमें नोट कर रहे थे। लड्डुओं का ढेर जैसे जैसे कम हो रहा था, वैसे वैसे नोटबुक में वो जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह का स्वागत जब एयरपोर्ट पर वो पहुंची, वहां से लेकर गांव तक कैसे हुआ, वो मैं आपको तस्वीरें और साथ ही जो भी खबरें सामने छपी हुई हैं वो सब आपको बताना चाहती हूँ। दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे हुए थे उनके स्वागत के लिए, तस्वीर आप देख सकते हैं। विनेश फोगाट के साथ उनके रेसलर्स प्रोटेस्ट जो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, उस प्रोटेस्ट में हमेशा उनके साथ उनके दो दोस्त और खुद भी पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी थे, और वो इस बार भी वहां पर उनके साथ थे, लगातार उनका साथ देते आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रहा हो, चाहे वो ग्राउंड पर रहा हो, चाहे वो अब जब वो लौटी हैं एकदम परेशान, निराश, मायूस, उनका ढांढस बंधाने के लिए उनके वो दोस्त उनके साथ एक बार फिर चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। वो लोगों को हाथ ऐसे वेव करती हैं, नीचे से स्लोगन्स की बरसात उनके ऊपर आ रही है, और वो सुनते ही विनेश फोगाट एक बार फिर अपने इमोशंस अपने आंसू के रूप में निकालती हैं, उसको फिर पोंछती हैं और उसके बाद फिर स्माइल करने लगती हैं, नमस्कार करती हैं। शुरुआत में तो वो कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो फिर बोलना भी शुरू हुई। गांव वगैरह में जैसे ही पहुंची वो अलग अलग गांव में, वहां पर उन्होंने एक जगह उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक मेडल नहीं, ये आप लोगों का जो प्यार है ये मेरे लिए 1000 ओलंपिक गोल्ड मेडल के बराबर है। वो कैसे अपने गाँव में जो सारी लड़कियां हैं उन सबका सहयोग करना चाहती है, उन सबको इतना मजबूत बनाना चाहती है कि वो आगे बढ़ सकें, ये सब बातें उन्होंने अपने गाँव से कही। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे
जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े, क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाए। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है, क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज़्यादा ऊँचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूँगी कि ये बहन मेरे गाँव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गाँव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। और उनके गांव वाले, उनका नाम है धनपति, जो विनेश फोगाट की लंबे समय तक पड़ोसी रही हैं, और वो आगे बताती हैं कि विनेश दीदी जो हैं वो सबसे ज्यादा ब्रेव रही हैं, हमेशा वो राइट्स के लिए लड़ती रही हैं, वो परिवार में भी राइट्स के लिए लड़ती रही हैं। उनके पिता की जब मौत हुई उसके बाद एक तरह से परिवार के कवच के रूप में वो खड़ी हो गई, और जहां वो बचपन में अपनी माँ का हाथ बटाती थी, चाहे खेतों में हो, घर के कामों में हो, और अब वो अपने परिवार की देखरेख में उनका हाथ बटाती है, उनके लिए कवच की तरह, शील्ड की तरह खड़ी हो गई हैं। इसलिए विनेश दीदी से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे आपको हमेशा हक की आवाज उठानी चाहिए, फिर चाहे वो आपके अपने परिवार में ही क्यों ना हो, ये हम उनसे सीखते हैं। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड है, इनका मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। संजय चौकीदार, ये जो है ये विलेज के वॉचमैन हैं, चौकीदार हैं, जो 10th पर्सन थे उस लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स में जहां पर लड्डुओं के लिए नोटबुक में लिखा जा रहा था, और इनके नाम के आगे 100 रुपए का योगदान था। संजय चौकीदार विनेश फोगाट को किस तरह से याद करते हैं, वो कहते हैं मैं तो उसको शुरुआत में वो नहीं बोलना चाह रहे थे, बाद में जब वो बोले तो कहा कि जब विनेश सिर्फ 5 साल की थी ना, मैं उसको तब से जानता हूँ और मेरे लिए तो वो बेटी जैसी थी। और उनको आज भी याद है कि विनेश फोगाट उनको तब कहती थी कि आप इतनी रात को इस तरह से रखवाली करते हैं हमारे गांव की, आप कितने बहादुर हैं। और विनेश फोगाट के लिए ये शब्द बोलते हुए संजय चौकीदार की आंखों में आंसू आए, उन्होंने उन आंसुओं को पोंछा और कहा आज देखिए पता चलता है ना कि आखिर बहादुर है कौन। वहीं उस नोटबुक में रघुबीर मास्टर हैं जिनके नाम के आगे 500 रुपए का योगदान, शालू बादल जो कि कई सारे नोटों की माला लेकर आई जिसका कीमत थी, जिसकी वैल्यू थी 5100 रुपए, कुंवर बीर सिंह जो कि एक पगड़ी के साथ आए और एक तलवार के साथ, वहीं नाटू जो कि विक्रांत फौजी हैं और फौजी भाईचारा ग्रुप, उन्होंने 21,000 का डोनेशन दिया, और बहुत सारे लोगों ने जिस तरह की डोनेशंस दिए हैं ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ। वहीं ये छोटा 10 साल का लड़का जो कि लड्डुओं की रखवाली बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता रहा, अंशज कहता है विनेश दीदी तो हमारे लिए सोना है, वही हमारे लिए गोल्ड है। वहीं पर देखिए जो शामियाना था ना बना हुआ, जो खड़ा किया हुआ शामियाना था, उसके बाहर कुछ लड़कियां थी जो कि बडिंग रेसलर्स थी, आगे चलकर बिल्कुल विनेश को एक तरह से इंस्पिरेशन के रूप में देखती हैं और आगे चलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती होंगी, उनका ड्रीम है रेसलर्स बनके। तो वो जिस तरह से एक लोकल अखाड़े से वापस आ रही थी ट्रेनिंग करते हुए, तो जो हलवाई थे पास के गाँव के, झोजू कला गाँव के, वो उनको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं चलो गर्म दूध पियो और लड्डू खाओ, ये तुमको बिल्कुल विनेश दीदी की तरह ही स्ट्रांग बनाएगा, जब वो वापस आती हैं उनके लिए चीयर करने के लिए भी तुमको ताकत देगा, क्योंकि तुमको विनेश की तरह ही बनना है। डीजे वहां पर लगा हुआ था और जितने युवा थे वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो वाला गाना लगाओ जो कि खास तौर पर विनेश फोगाट के लिए बनाया गया है और उनसे इंस्पायर्ड है, और उसके जो लिरिक्स हैं वो कुछ यूं हैं, जिसका टाइटल है शेरनी और लिरिक्स ऐसे हैं, करो स्वागत शेरनी का लड़के आए से, पेरिस में नाम ऊंचा करके आए से, 4 बार के चैंपियन हरा दी से, फिर भी धोखा। और बिल्कुल इसी तरह की रात थी विनेश फोगाट के गांव बलाली में जब वो पहुंची थकी हारी। आप देख रहे हैं मंच पर भी किस तरह से थोड़े समय के लिए वो सोने की कोशिश कर रही थी, थकी हुई थी, लेकिन अंदर से रिलीव्ड थी इस खुशी के माहौल से,
इतना सुकून उनको मिला होगा कि इस भरी सभा में शोर शराबे के बीच भी एक सुकून की नींद विनेश फोगाट आखिरकार अपनी धरती पर आके ले पाए। और जब डीजे की इस रिक्वेस्ट पर विनेश फोगाट से इंस्पायर्ड गाने पर नाच गाना हो रहा था, खूब हंसना गाना हो रहा था, नाचना हो रहा था, लोग बहुत खुश थे, पार्टी मोड चल रहा था, पूरा का पूरा गांव इस तरह से लिटअप था, इस तरह से रोशन था कि संजय चौकीदार को इस रात जागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुद पूरा गांव अपनी बेटी के लौटने पर अपनी रखवाली कर रहा था। सत्यमेव जयते।